सर हमने ना 10,000 रुपये से ये काम स्टार्ट किया था 85 में। पाकिस्तान से बाहर भी जाऊँ ना कहीं तो मुझे इतना पता है कि मेरे कस्टमर है, यहाँ तक कि अमेरिका इंग्लैंड में भी मेरे कस्टमर है। एक भाई आए हुए थे, इंजीनियर थे, जापान के आए हुए थे, वो खाना खा के गए। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सर ये 45 साल से हम काम कर रहे हैं, ये वाला ये सर स्टार्ट किया हमने रेडी से। सर ये रेडी लगाई हमने मस्जिद वजीर खान के चौक में, और उसके बाद हम अंदर आ गए दुकान पे। अब दुकान पे भी आए हुए हमें तकरीबन कोई हो गए 35 साल हो गए, 10 साल जो हमने रेडी पे काम किया। सर ये मेरे वालद साहब का मशवरा था, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। मैं अपने वालद साहब का शागिर्द हूँ, और ये कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से हमें ये टिक्कियाँ लगानी पड़ी, और अल्लाह ने बड़ी बाजू पकड़ी। तब का फैसला बहुत अच्छा था हमने जो लिया है, तो आज अल्लाह की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम है, और ये सारी माँ बाप की दुआ है। सर स्टडी नहीं मैं कर पाया इतनी ज़्यादा, क्योंकि ज़िम्मेदारी बढ़ गई काम में, और वालिद साहब का जो है ना साथ देता रहा हूँ। और भी भाई हैं जो के पड़े हुए हैं, वो कपड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वालिद साहब के साथ रहा हूँ, और इस वजह से जो है ना मैं इस काम में, इस लाइन में आ गया, और पूरी हेल्प की वालिद साहब के साथ। अफसोस ये है कि पढ़ नहीं सका, लेकिन ये अफसोस नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं जहाँ भी पाकिस्तान में जाता हूँ सब मुझे जानते और पहचानते हैं, इस वजह से मुझे इस चीज़ की फीलिंग नहीं होती, लेकिन पढ़ना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। सर हमने ना 10,000 रुपये से ये काम स्टार्ट किया था 85 में। ये अल्लाह का शुक्र है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा भी होती है, कभी मीडियम भी होती है, और कभी कम भी होती है। तकरीबन हज़ारों की तादाद से आते हैं, यानी कि अगर एक कस्टमर आया उसके साथ 5-6 लोग नए आते हैं, और इसी वजह से जो है पूरे पाकिस्तान में नाम है जो जाना जाता हूँ। दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं। कस्टमर जो है जो भी खा के जाता है, चाहे पाकिस्तान से बाहर खा के जाता है चाहे पाकिस्तान में, वो याद रखता है, इसी वजह से हमारा नाम फेमस है हीरो भाई टिक्कियों वाला। सर इसमें खास ये है कि सबसे डिफरेंट टेस्ट है इसका, इसमें लाल मिर्च नहीं होती, इसमें प्याज नहीं होता, ठीक है, और ये इसकी जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जो लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, दूसरे ऑयल में, हम सूफी घी में बनाते हैं, दही में बनाते हैं, ये खाने के बाद कोई जलन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका टेस्ट ऐसे है जैसे आप खोया खा रहे हैं। इसमें चिकन भी ऐड होता है, लेकिन हमारी फेमस डिश यही है, यही टेस्ट लगा हुआ है, और दूसरी डिश हमने कोई नहीं लगाई। इस पर ही हाथ जो है ना फाड़ नहीं होता। ये हम टिक्की के हिसाब से सेल करते हैं, ये 60 रुपये की टिक्की है, हमने 5 रुपये की टिक्की से स्टार्ट किया था, अब ये 60 रुपये की टिक्की है, और 5 रुपये का 3 रुपये का अंडा था जब हमने ऐड बनाना शुरू किया था, अब 30 रुपये का अंडा है। एक टिक्की एक अंडे की प्लेट जो है ना वो 90 रुपये की बनती है इस दौर में। सर नान हम लेते हैं, हमारे नेबर हैं खलीफा नान शॉप, बड़े फेमस हैं वो, उनसे हम नान लेते हैं। देसी अंडे भी ऐड होते हैं, मक्खन भी ऐड होता है, बीफ भी ऐड होता है, चिकन भी ऐड होता है, मटन भी ऐड होता है, मगज़ भी ऐड होता है इस चीज़ में। इसमें बहुत डिशें बनती हैं। जो मेरी उम्र के दोस्त हैं, एक वो वार्डन पुलिस में है, एक टेक्सटाइल मिल में है, मैनेजर है, एक एडिटर है, और एक मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ। बचपन में जो हालात थे उसको तो देख के उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो मिलते हैं खुश होते हैं कि हमारे भाई का नाम है। अगर स्टडी नहीं की तो अल्लाह का शुक्र है नाम है जी, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं कि हीरो भाई आप हमसे अच्छे हैं, वो पे हैं, और मेरा अपना काम है, मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते, मैं खुद कमाता हूँ, खुद लेके जाता हूँ। संडे को ऑफ होती है हमारी दुकान, संडे को छुट्टी होती है, ये पूरा सिस्टम है। हमारी फैमिली जो है इसको साथ में तैयार करती है, उनको भी और हम भी पूरे रेस्ट कर, फैमिली को भी रेस्ट मिल जाती है जी। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, क्योंकि आउट ऑफ सिटी से बहुत लोग आते हैं खाना खाने, तो जो खाना खाने आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। हमने अपना नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, गूगल पे भी दिया हुआ है, उसकी वजह से वो देख के कॉल करते हैं। ये जी सिंपल चनों की दाल है, ठीक है, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से घर से तैयार करके लेके आते हैं, तैयार करके हम इधर लेके आते हैं, इधर फ्रीज हो जाती है, फ्रीज होने के बाद फिर इसमें ये मसाले डालते हैं जो ओरिजिनल देसी मसाले हैं, उसके बाद हम इसको जो है ना तैयार करके बड़े अच्छे तरीके से कस्टमर को देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कस्टमर को टेस्ट पसंद आता है। सर ये मसाले हमारे खुद तैयार किए हुए हैं, बाहर से लेते हैं, खुद चक्की से पसवाते हैं, और उसका जो मटेरियल है ना वो इसमें दाल में ऐड करते हैं, यहाँ तक कि ये मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ है, ये भी हम मलाई का निकालते हैं,
बिल्कुल खालस होता है। ये मैं सूफी घी यूज़ कर रहा हूँ। अगर देसी घी खाना हो तो वो भी हमारे पास खालस होता है। दो नंबर ही नहीं हुई इधर। तो ये हमारा तकरीबन कोई 4 से 5 किलो घी रोज़ का देसी निकल जाता है ये पैकेटों की सूरत में। सर ये हम तोड़े ले के आते हैं, हम दाल के तोड़े होते हैं। उस इसमें केजी वाला साहब कोई नहीं है। दाल का जो है ना फेस खोलते हैं और उसको जो है ना भाई जान बड़े पतीले हैं उसमें ऐड कर देते हैं और उबाइल करके और वो जो है ना तैयारी करके ले आते हैं। कभी तोल के सौदा नहीं बेचा कि ये कितनी है कितनी नहीं है। जी मेरे साथ मेरा छोटा भाई है जो मेरे साथ होता है। ये मेरा भाई है चांद भाई है जी, ये मेरे साथ ही होते हैं इधर। मैं और चांद भाई अब जो है ना वाला साहब को रेस्ट दे दी हुई है और चांद भाई इस दुकान को चला रहे हैं। बहुत पुरानी दुकान है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की ये जगह है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि इधर इतनी रौनक होती है कि कस्टमर खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। इतना प्यार है कस्टमर के साथ कि अगर बैठते हैं तो उसके अलावा अगर जगह नहीं बचती तो वो एडजस्ट भी करते हैं। मैं खुश हूँ अपने काम से क्योंकि इसमें मुझे इज्जत बहुत मिली है। पाकिस्तान से बाहर भी जाऊँ ना कहीं तो मुझे इतना पता कि मेरे कस्टमर है, यहाँ तक कि अमेरिका इंग्लैंड में भी मेरे कस्टमर है। अभी कुछ रोज़ पहले एक जुमैमा नाम की लड़की आई हुई थी, वो कैनेडा से आई है। अभी भाटी में मेरे दोस्त हैं उनके साथ इधर आई और खाना खा के गई हैं। एक भाई आए हुए थे इंजीनियर थे, वो जापान के आए हुए थे, वो खाना खा के गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके भाई के पास पाकिस्तान से बाहर से भी जो है ना लोग आते हैं और इतनी पहचान है कि मैं कहीं भी चला गया ना तो मुझे जाने वाले वहाँ पे मिलेंगे। दुबई और सऊदीया तो बहुत ही ज़्यादा है, इधर इतनी दुनिया मिली है ये काम की वजह से कि मैं सोच नहीं पाता कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी दुनिया मिली। हाँ मैं कराची गया था, कराची में वो थे यूफोन के मैनेजर तो वो मुझे मिले थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मैं आपसे खाना खाने आता हूँ वहाँ। मेरा नाम है मुबीन ओरिजिनल। मेरी हॉबी थी क्रिकेट जो मैं खेलता था। मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ये रेसिपी भी उनके हाथ की है जी। ये दिल्ली, ये आप आएंगे दिल्ली गेट बाइट, ठीक है, दिल्ली गेट से आप एंट्रेंस होंगे अंदर आएंगे तो आ जाएगी मस्जिद वजीर खां। वाल सिटी के अंडर में है मस्जिद वजीर खां। मस्जिद वजीर खां के बिल्कुल ऑपोजिट मेरी दुकान है हीरो भाई टिक्के वाले। आप उधर आके पूछ सकते हैं, बड़ी आराम से पूछ सकते हैं, गेट से बाइट से पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे। फ्यूचर में प्लान है बाइट निकलने का, काम के सिलसिले में बड़ा रेस्टोरेंट डालने का, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है इधर ही बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे हम काम।